आज हम सेडेटिव और हाइपनोटिक्स ड्रग जानेंगे, ठीक है। तो सेडेटिव क्या होता है? सेडेटिव एक ऐसी ड्रग होती है जो इरिटेशन होती है, जो चिड़चिड़ापन होता है, उस चिड़चिड़ापन को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है विदाउट इंड्यूस स्लीप, यानी स्लीप को बिना बढ़ाए ही क्या करता है, जो चिड़चिड़ापन होता है, जो जो इरिटेशन होता है, उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। तो सेडेटिव एक ऐसी ड्रग होती है जो चिड़चिड़ापन को कम करता है विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, बिना स्लीप को बढ़ाए ही चिड़चिड़ापन को कम कर देता है, उस ड्रग को हम सेडेटिव कहते हैं, ठीक है। और हाइपनोटिक्स, तो हाइपनोटिक्स एक ऐसी ड्रग है जो स्लीप को, नेचुरल स्लीप को क्या करता है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये नेचुरल स्लीप को प्रोड्यूस करता है। जैसे नेचुरल स्लीप को प्रोड्यूस करेगा तो वैसे डायरेक्ट ही क्या हो जाता है, जो इरिटेशन है, जो चिड़चिड़ापन है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। यानी जो सेडेटिव है वो तो क्या करता है, बिना स्लीप ही चिड़चिड़ापन को कम कर देता है, और हाइपनोटिक्स क्या करता है कि उसको स्लीप प्रोड्यूस करता है। तो वो अपना आप ही क्या होता है कि जो चिड़चिड़ापन है वो कम हो जाता है, ठीक है। और अगर मान लो कि अगर हम इस सेडेटिव ड्रग को अगर हम हायर डोज में लेते हैं, यानी हाई डोज में अगर हम इसको लेते हैं, तो ये किसका एक्शन करेगा? तो ये हाइपनोसिस का एक्शन करेगा, ठीक है। हाइपनोसिस का एक्शन करेगा, यानी हाइपनोसिस एक्शन, मान लो कि उसको अब स्लीप भी आएगा और ये जो इरिटेशन है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। और हाइपनोटिक्स, अगर हाइपनोटिक्स को हम क्या करते हैं, अगर हायर डोज में लेते हैं अगर हम इसको, तो ये जनरल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेगा। जनरल एनेस्थीसिया क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा। यानी एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि जो सेंसन है, जो फीलिंग महसूस कर रहे हैं हम, जो भी कोई भी पेन वगैरह होता है, तो वो जो उसमें महसूस हो रहा है, सेंसन हो रहा है, तो उसको क्या कर देता है, ये कम्प्लीटली लॉस कर देता है, कम्प्लीटली लॉस या पेरिफेरल लॉस कर देता है, तो ठीक है। यानी हमें कोई भी दर्द वगैरह नहीं होगा जब, यानी आमतौर बात करें तो व्यक्ति को बेहोश करना, क्या करना, व्यक्ति को